देखिए दोस्तों, तृतीय श्रेणी अध्यापक शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा हुआ मामला है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी और हिंदी के पदों पर मेरिट से नियुक्ति दें। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट जोधपुर ने पंचायती राज और शिक्षा विभाग को दिया है आदेश। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 में लेवल द्वितीय के अंग्रेजी और हिंदी विषयों की स्नातक के तीनों वर्षों में होने के कारण उनको वैकल्पिक विषयों के समान मानते हुए पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार निदेशक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाड़मेर को दोनों प्रार्थी गण को तत्काल प्रभाव से अंग्रेजी और हिंदी विषयों के पदों पर मेरिट के अनुसार नियुक्तियाँ देने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने उक्त आदेश गाँव बशीर तहसील टिब्बी हनुमानगढ़ निवासी जो रोशनी देवी और गाँव मौजी तहसील राजगढ़ चूरू निवासी उषा की ओर से दायर रिट याचिकाओं को अंतिम फैसले पर यह सुनते हुए फैसले इन्होंने दिए हैं। 3 सितंबर 2018 को राज्य स्तरीय चयन सूची जारी की गई जिसमें मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर दिया गया था। उच्च न्यायालय में रिट यानी कि याचिकाएं हैं वो दायर की जिन पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए प्रार्थीगण के चयन के न्यायालय के अंतरिम आदेश दिए हैं। निरस्त नहीं किए जाने के साथ में उन सभी विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस आधार पर विभाग ने नियुक्त किया था नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर। पंचायती राज विभाग ने प्रार्थीगण को नियुक्ति नहीं देने के अपने आधार में कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा जारी विज्ञप्ति 31 जुलाई 2018 एवं स्पष्टीकरण पत्र 5 अगस्त 2018 के अनुसार प्रार्थियों द्वारा जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उसमें स्नातक के वैकल्पिक विषय के रूप में होना अनिवार्य है और चूंकि दोनों प्रार्थीगण के पास अंग्रेजी और हिंदी विषय होना अनिवार्य रूप से ये था तो उनकी अंकतालिकाओं में अंग्रेजी और हिंदी विषय लिखा गया है इसलिए उनको वैकल्पिक विषय नहीं माने जा सकते। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा अंग्रेजी और हिंदी के पदों पर मेरिट दिए जाने की नियुक्ति से रिलेटेड ये मामला है जो कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके।